चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एग्जांपल नंबर 13। कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस एक्स वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, है ना, एंड 0 एंड 2 पाई आर आल्सो इंक्लूडेड, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, वो 0 और 2 पाई के बीच में कितने इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कितने इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आप जो है दो तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मेथड वन हुआ आपका विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बना लो तो ये क्वेश्चन ईजिली दिख जाएगा। तो कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इसका ग्राफ नहीं बनाने आता है। आपको बता देते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए, है ना। आप क्या करो कि ये फार्मूला आप क्लास 11th में यूज किए थे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जिसमें अगर a पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। या आप ऐसे कर लो ना, मान लो फार्मूला तुम बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या कर लो ना कि 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना। देखो सबसे पहले ये लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 1 छुपा है, तो इसमें इस 1 और 1 का स्क्वायर करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। मतलब √1² प्लस ये 1² यानी कि √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसा कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/√2 से √2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1/√2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, है ना। अब इसे हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ऐसे √2, और इसको लिख लो कॉस पाई बाई 4 और साइन एक्स, फिर प्लस 1/√2 को लिख लो साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला बन जाएगा, आप कह सकते हो कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब कि वाई इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इसको ध्यान से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4, तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स जो दिख रहा है इंटू साइन बी साइन पाई बाई 4, और 1/√2 √2 मल्टीप्लाई में था, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये अभी तक जो क्वेश्चन नज़र आ रहा था कि y साइन और cos दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखाई दे रहा था, वो अब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, यही से आप बता सकते हो y ये अगर आ गया तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर दो मेथड से बनाओ ना तो और इजी होगा, है ना। यहाँ से दो मेथड से बनाओ तो और इजी होगा। यहाँ तक मान लो इस तरह कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, और विदाउट ग्राफ यहीं से dy/dx का इंक्रीजिंग है तो dy/dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, dy/dx लेस देन 0 होना चाहिए, यहाँ से और इजी होगा। सबसे पहले तो तुम्हें बता दें कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, बस जो साइन का ग्राफ होता है ना वो शिफ्ट कर जाएगा पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 को ये कैपिटल एक्स मान लोगे सबसे पहली बात, तो एक्स प्लस पाई बाई 4 को आप जीरो कर दो न्यू ओरिजिन के लिए, तो जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब ये तुम कंफर्म हो जाओ कि जो एक्स है वो माइनस पाई बाई 4 से पास करेगा उसका नया ओरिजिन। तो माइनस, ये तो ओरिजिन है जीरो वाला, ये मान लो माइनस पाई बाई 4 है ना, तो ग्राफ यहीं से उठेगा। मतलब अगर आप माइनस पाई बाई 4 डालोगे तो साइन जीरो हो जाएगा, है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि एक्स का हर एक पॉइंट माइनस पाई बाई 4 पहले शिफ्ट हो जाएगा,
माइनस पाई बाई फोर पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम क्या कर लो ना कि पहले आप तुम ग्राफ बना लो इसका, इसको भूल के यही से बना लो ग्राफ, साइन का ग्राफ जैसा। वाई में रूट टू का मल्टीप्लाई है उसको हम बाद में समझा देंगे, पहले इतना समझो। अब क्या करना है कि जो जीरो पे पॉइंट रहा करता था वो कहाँ आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर पहले। जो पाई बाई टू पे पॉइंट रहता था वो पाई बाई टू से कितना पहले आ जाएगा, पाई बाई फोर पहले, यानी कि ये पॉइंट अब कहलाएगा पाई बाई फोर। विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे पाई बाई फोर डाल के देखो, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू बन जाएगा। ये पाई था ना, ये पाई बाई फोर पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। आप यहाँ पे थ्री पाई बाई फोर रख के डाल लो, थ्री पाई बाई फोर और पाई बाई फोर, फोर पाई बाई फोर, फोर फोर कट जाएगा, साइन पाई जीरो आ जाएगा। उसी तरह से ये पॉइंट की बात करें तो ये पहले थ्री पाई बाई टू हुआ करता था, तो अब थ्री पाई बाई टू में से तुमको पाई बाई फोर घटाना है, तो एलसीएम लोगे तो फोर आएगा, ये हो जाएगा तीन दुना के छः पाई माइनस पाई, तो ये फाइव पाई बाई फोर हो जाएगा। मतलब इसका जगह नाम हो जाएगा फाइव पाई बाई फोर। फिर इसका नाम पहले क्या होता था, जीरो पाई टू पाई, अब ये हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि टू पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कितना एट में से वन गया नाइन पाई बाई फोर। ये पॉइंट कितना होता था पहले, तो ये पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, ये फाइव पाई बाई टू है ना, तो फाइव पाई बाई टू में से पाई बाई फोर घटा दो, तो फाइव पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, इसका फोर, तो फाइव टू जा टेन पाई और माइनस पाई यानी कि नाइन पाई बाई फोर, इसका नाम हो जाएगा नाइन पाई बाई फोर। ठीक है, वैसे भी देख रहे हो पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, नाइन पाई बाई फोर हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो ये पहले हुआ करता था थ्री पाई, वन पाई टू पाई थ्री पाई, तो थ्री पाई पे हमको जाना भी नहीं है, नाइन पाई बाई फोर टू पाई से एक्चुअली हमको ग्राफ केवल किस में देखना है, जीरो से लेकर टू पाई में। तो जीरो से लेकर टू पाई में अगर कंसिडर करना है तो ज़रा सोचो कि नाइन पाई बाई फोर तो टू पाई से ज़्यादा होता है, नाइन पाई बाई फोर तो टू पाई से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जब फोर से डिवाइड होगा तो फोर टू ज़ा एट, टू पाई प्लस समथिंग तो आएगा ही, तो इसका मतलब टू पाई कहीं इधर ही होगा है ना, टू पाई कहीं इधर ही होगा। तो सोचो कि साइन टू पाई कहाँ होता था पहले, वो टू पाई पॉइंट कहाँ गया होगा, टू पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि एट में से, मतलब टू पाई एग्जिट कहाँ होगा, इधर कहीं हुआ होगा क्योंकि ये नाइन पाई बाई फोर है, हाँ सॉरी दो को पॉइंट नाइन पाई बाई फोर कैसे हो सकता है, गलत हो रहा है कुछ, ये थ्री पाई माइनस पाई बाई फोर था, तो चार या बारह था ना, बारह में से एक गया ग्यारह पाई बाई फोर हुआ था ना, वन पाई टू पाई था, सॉरी ये टू पाई था, तो टू पाई में से पाई बाई फोर, तो चार दूना आठ, आठ में से गया नाइन पाई बाई फोर, ये ठीक है। इस पॉइंट का नाम गड़बड़ हो रहा है, ये पॉइंट पहले होता था फाइव पाई बाई टू, इस पॉइंट का नाम फाइव पाई बाई टू, क्यों, क्योंकि पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फिर फाइव पाई बाई टू, उसमें से आपको पाई बाई फोर पीछे आना है। एलसीएम ले लो, फोर आएगा टेन पाई माइनस पाई, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, नाइन पाई बाई फोर यहाँ से भी आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोचते हैं इसमें, सॉरी गलती यहाँ पे हो रहा था, इस जगह का नाम टू पाई था और माइनस पाई बाई फोर जब करेंगे तो चार दुना के आठ में से एक घटेगा तो सेवन पाई बाई फोर होगा, सॉरी सेवन पाई बाई फोर हुआ, तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट है सेवन पाई बाई फोर, अगर इसमें हम टू फोर से डिवाइड करेंगे तो चार दुना के आठ टू पाई से कम होगा, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं टू पाई हुआ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ तो जीरो है ही पाई बाई माइनस पाई बाई फोर पे, तो एक और बात, माइनस पाई बाई फोर से पहले भी तो आना पड़ेगा अब, नहीं नहीं नहीं, ये अगर पॉइंट माइनस पाई बाई फोर है तो जीरो कहीं इधर रहा होगा क्योंकि ये पाई बाई फोर है, तो इस पॉइंट पे जीरो रहा होगा, आप याद रखिएगा कि जीरो और ये पॉइंट साइमेट्रिसिटी होगी, तो ये पॉइंट रहा होगा आपका जीरो,
क्योंकि नेगेटिव तो इधर होता है ना जीरो से, तो ये रहा होगा आपको वाई एक्सिस। अब रूट टू से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना कि ऊपर वाला जो वन पॉइंट है वो रूट टू ऊपर शिफ्ट हो गया होगा और नीचे वाला पॉइंट माइनस रूट टू शिफ्ट हो गया होगा। मतलब जो ग्राफ है वो लाई कर रहा होगा माइनस रूट टू से रूट टू, क्योंकि साइन का वैल्यू माइनस वन से वन, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ होगा। अगर कोई भी साइन का फंक्शन आप सोच सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन है, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट टू से रूट टू जाएगा, ये बात याद रखना है। तो अब हमको बताना है कि जीरो से टू पाई में कितना इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कितना इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आप देख रहे होंगे कि जीरो से देखना है, जीरो से टू पाई देखना है, तो इस पॉइंट का नाम तो आप बता रहे थे टू पाई। तो ज़रा सोचो कि ये इधर देखना ही नहीं है, इधर से मत बोलना, माइनस पाई बाई फोर से ये मत बोलना, क्योंकि जीरो के बाद बोलना है। तो इंक्रीज किस में कर रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, जीरो में बस देखना है। ये लाइन देख लो, इस लाइन पे कंसंट्रेट कर लो और यहाँ वाला टू पाई लाइन पे कंसंट्रेट कर लो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये इंक्रीज किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट आप खुद आंसर अब दे सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू, आप कह सकते हो ये पॉइंट का नाम आपका क्या था, ये पॉइंट का नाम आपका क्या था, जीरो। तो जीरो से लेके जीरो क्लोज करोगे क्योंकि जीरो शामिल है, और कॉमा पाई बाई फोर ओपन तक, क्योंकि पाई बाई फोर पे क्या हुआ होगा कि डिवाइड बाई इंक्रीज मतलब कर रहा है ना, पाई बाई फोर पे भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए का मतलब क्या हुआ कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कर रहा है कि वो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में, ऊपर नहीं है, लेफ्ट में तो ऊपर है, राइट में नीचे हो जा रहा है ना। तो उधर जब जा रहे हैं हम तो वो डिक्रीज कर रहा है, तो केवल पाई बाई फोर पे ओपन करेंगे। और केवल अगर इंक्रीजिंग बोलता तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जब हम देख रहे हैं तो वो जीरो हो रहा है। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है उस पॉइंट को हम लोग कहाँ शामिल करते हैं, केवल इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल ओपन ब्रैकेट रहता है, फिर यूनियन और कहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट का नाम फाइव पाई बाई फोर हम लोग निकाले हैं। तो ओपन ब्रैकेट फाइव पाई बाई फोर से लेके कहाँ तक, तो टू पाई तक, क्योंकि टू पाई हमारा ये लास्ट पॉइंट था। और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग क्या निकालेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पाई बाई फोर से लेके कहाँ तक, फाइव पाई बाई फोर तक, है ना, फाइव बाई बाई फोर तक, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये तो हुआ मेथड वन, अब मेथड टू देखिएगा ज़रा। मेथड टू क्या होगा कि हम मान लो कि इसका ग्राफ बनाने नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन तो हम कर ही लेंगे एफ एक्स का इस तरह से, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उसमें हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग, और डी वाई बाई डी एक्स जिस इंटरवल में निगेटिव